दर्पण जी, आप एक फाइनल मैसेज शेयर करेंगे हमारे साथ बिफोर द क्वेश्चन आंसर फोरम स्टार्ट्स? श्योर. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ. रिसेंटली आई मेट एन एक्रोबेट फ्रॉम अ सर्कस. वो लोग ऐसे, वो जो रस्सी पे चलते हैं, आपने देखा होगा सर्कस में, फिल्म्स में भी देखा होगा. तो आई आस्क्ड हिम कि आपको व्हेन यू आर डूइंग योर एक्रोबेटिक्स डोंट यू फियर द हाइट, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे होते हैं, गिर सकते हैं, तो पैर टूट सकते हैं, चोट लग सकती है, मौत भी हो सकती है. तो ही सेड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ही सेड कि ही फॉल्स ड्यूरिंग प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ही नोज देयर इज अ सेफ्टी नेट. Yes. And when there is no safety net, he knows that his life depends on it and he can't dare to miss even one second of focus. So I think this happens with us also in our real lives. जो लोग plan B बनाते हैं ना, वो अपनी safety net को अपना time ज्यादातर अपनी safety net को strong करने में, उसको strengthening करने में लगा देते हैं. जो time they must have spent on their plan A and the actual idea, they spend on strengthening their plan B or their safety net. So if I have to give just one advice to students right now or people who are starting their careers, I would like to tell them, never have a plan B. Have focus, set your goals and go for it.